प्रिय छात्रों, व्यवसायिक अध्ययन के कक्षा 11वीं के अंतर्गत हम इकाई 2 में अध्याय 5 का यहाँ हम अध्ययन करेंगे। यह अध्याय हम देख रहे थे कंपनी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो जैसा कि बताया था पूर्व में, कंपनी की स्थापना के जो चरण हैं वो कंपनी का प्रवर्तन, कंपनी का समामेलन, फिर कंपनी द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ। यहाँ पर जो है कंपनी के मुख्य जो प्रलेख हैं, पार्षद सीमा नियम के बारे में हमने जाना कि पार्षद सीमा नियम क्या कहलाता है, तो पुनः यहाँ पर बताना चाहूँगा पार्षद सीमा नियम वे नियम है जो कंपनी के चार्टर नियम कहलाते हैं, अर्थात कंपनी का संपूर्ण संचालन जो है पार्षद सीमा नियम में निर्धारित नियमों के आधार पर ही किया जाता है। ये नियम जो होते हैं ये अपरिवर्तनीय होते, केवल विशेष परिस्थितियों में ही इनमें परिवर्तन किया जा सकता है और इसकी सूचना प्रॉपर रजिस्ट्रार को हमें देनी होती है। पार्षद सीमा नियम से जुड़े हुए जो दूसरे नियम है पार्षद सीमा अंतर नियम, यहाँ हम जानेंगे कि पार्षद सीमा अंतर नियम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका आशय क्या है, पार्षद सीमा अंतर नियम की विषय वस्तु क्या है, अर्थात पार्षद सीमा अंतर नियम में किन किन बिंदुओं को हम सम्मिलित करते हैं, साथ ही पार्षद सीमा नियम व पार्षद सीमा अंतर नियम में क्या अंतर है, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। पार्षद सीमा अंतर नियम आशय परिभाषा क्या है, पार्षद सीमा नियम एक कंपनी के संचालन की शर्तें होती हैं जिनके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है। यहां हमने देखा था कि पार्षद सीमा नियम जो हैं वो कंपनी के क्या संचालन की शर्तें हैं, अर्थात किन नियमों के आधार पर कंपनी का संचालन होगा, वो क्या है, पार्षद सीमा नियम। ये नियम जो हैं इसी आधार पर कंपनी का पंजीयन समामेलन होता है। वहीं पार्षद सीमा अंतर नियम जो हैं कंपनी के क्या हैं, आंतरिक नियम कहलाते हैं जो समय समय पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। अब ये पार्षद सीमा अंतर नियम जो क्या हैं, आंतरिक नियम हैं जिनको हम अपने संचालन के समय, कंपनी के संचालन के समय 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 पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। परिभाषा दी है बाबिन के अनुसार, पार्षद सीमा नियम में वे आधारभूत शर्तें होती हैं जिनके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है। वहीं आंतरिक अंतर नियम जो हैं कंपनी के क्या हैं, आंतरिक नियम कहलाते हैं। तो पार्षद सीमा नियम मुख्य शर्तें हैं जिनके आधार पर कंपनी का पंजीयन समामेलन होता है। वहीं अंतर नियम पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत अंतर नियम हैं जो कि आंतरिक नियम होते हैं जिनके आधार पर कंपनी का संचालन होता है। फिर केन्स के अनुसार पार्षद अंतर नियम पार्षद सीमा नियमों के अधीन कार्य करते हैं। ये पार्षद अंतर नियम जो हैं ये किसके अंदर में काम करते हैं, पार्षद सीमा नियम के, तथा वो सीमा नियम को अधिकार पत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। अंतर नियम उन रीतियों तथा स्वरूपों को स्पष्ट करते हैं जिनके अनुसार कंपनी का व्यवसाय चलाया जा सकता है तथा जिनमें समय समय पर कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये अंतर नियम जो हैं कंपनी की रीति उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है। इन अंतर नियमों के आधार पर हम कंपनी का व्यवसाय चलाते हैं, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आंतरिक प्रबंध के लिए हम उन अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अंतर नियम में उन नियमों का उल्लेख होता है जिनके अनुसार कंपनी का आंतरिक प्रबंध किया जाता है। कंपनी संचालन हेतु जो उद्देश्य पार्षद सीमा नियम में दिए गए हैं उनकी पूर्ति पार्षद अंतर नियम में दिए जाते हैं। अंतर नियम में ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता जो पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य के विपरीत हो। अंतर नियम मुद्रित होना चाहिए, उचित पैराग्राफ में बटा होना चाहिए तथा इस पर क्रमागत संख्या लिखी होना चाहिए, इस पर आवश्यक स्टाम्प लगा होना चाहिए तथा पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों के भी हस्ताक्षर होना चाहिए। अर्थात अंतर नियम में वही नियम होंगे जो पार्षद सीमा नियम के उद्देश्यों के अंतर्गत हैं, उसके विपरीत ना हो। अंतर नियम कैसे होना चाहिए, मुद्रित होना चाहिए और बकायदा कॉलम वाइज पैराग्राफ में बटे होना चाहिए, इस पर अंतर नियमों का क्रमागत संख्या लिखी होना चाहिए, आवश्यक स्टाम्प होना चाहिए और जिन संचालकों ने निदेशकों ने पार्षद सीमा अंतर नियम में हस्ताक्षर किए हैं उनके हस्ताक्षर भी इसमें होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान रहे कंपनी या तो अपना अंतर नियम स्वयं तैयार करती है
अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की तालिका आ को स्वीकार कर सकती है। यहाँ पर ध्यान दें कि कंपनी या तो अपने अंतरनियम स्वयं बनाए अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की जो आ तालिका है उसको स्वीकार करे। कंपनी अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची में कंपनी के प्रबंधक प्रबंध एवं आंतरिक व्यवस्था हेतु 99 आदर्श के अंतरनियम दिए गए हैं, जिसे तालिका आ के नाम से जाना जाता है। तो ये आ जो तालिका है, यहाँ पर यदि कंपनी ने अपने अंतरनियम नहीं बनाए तो फिर तालिका आ में जो संबंधित नियम है उनका पालन 1956 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वो कर सकती है। ये जो है पार्षद सीमा अंतरनियम से आस है। यहाँ इसकी हम विशेषताएं देखेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता जो है, कंपनी के पार्षद अंतरनियम कंपनी के आंतरिक नियम कहलाते हैं, जो पार्षद सीमा नियम के सहायक भी कहे जा सकते हैं। ये जो नियम है, जैसा कि अभी बताया हमने कि पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत ये उससे जुड़े हुए आंतरिक नियम कहलाते हैं, तो ये पार्षद सीमा नियम के सहायक भी होते हैं। दूसरा, कंपनी के आंतरिक प्रबंध को नियंत्रित करते हैं तथा इसे अधिकारियों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं। अब ये पार्षद अंतरनियम जो हैं, जो कंपनी का आंतरिक प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है इंटरनल, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, तथा जो इससे संबंधित अधिकार हैं और अधिकारों को ये बताता है कि कौन अधिकारी के क्या अधिकार हैं, उनके क्या कार्य हैं। तीसरी विशेषता है, पार्षद सीमा नियम में कंपनी में बताए गए उद्देश्य की पूर्ति हेतु अंतरनियम कार्यविधि को व्यक्त करता है। पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत कंपनी के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को किस प्रकार से पूरा करना है, ये अंतरनियम हमें यहाँ पर बताता है। फिर अंतरनियम एक ओर तो कंपनी तथा सदस्यों और दूसरी ओर सदस्य और सदस्यों के मध्य प्रसंवेदी का निर्माण करते हैं। अंतरनियम यहाँ पर एक तरफ तो जो कंपनी और कंपनी के जो सदस्य हैं उनके बीच आपस में जो कॉन्ट्रैक्टर प्रसंविदा है उसको निर्धारित करता है, दूसरी ओर सदस्य और सदस्यों के बीच में भी जो प्रसंविदा है उसको यहाँ पर वो बनाता है। फिर अंतरनियम मुद्रित एवं पैराग्राफ में विभाजित होते हैं तथा इन पर क्रमानुसार संख्या पड़ी होती है। तो अंतरनियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मुद्रित होते हैं और पैराग्राफ में बटे होते हैं। इन पर जो है एक हर नियम का जो है अंतरनियम का क्रमशः एक क्रमांक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण चीज जो है इसमें, पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर इस पर होते हैं। ये हस्ताक्षर कम से कम एक गवाह द्वारा जो है अवश्य रूप से एक गवाह द्वारा सत्यापित किए जाना चाहिए। तो पार्षद सीमा नियम में जिन निर्देशकों के हस्ताक्षर होते हैं उन्हीं निर्देशकों के हस्ताक्षर इन अंतरनियमों में भी होते हैं, और ये सभी हस्ताक्षर जो है कम से कम एक गवाह द्वारा आवश्यक रूप से सत्यापित करना आवश्यक है। तो ये हमारे सामने थी पार्षद अंतरनियम की मुख्य जो विशेषताएं हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विषय वस्तु इसमें क्या क्या होती है। तो प्रत्येक कंपनी अपने नियमों को सुविधा अनुसार बनाती है, आवश्यक नहीं कि सभी कंपनियों की दशा में उनकी विषय सामग्री एक सी हो, किंतु सामान्यतः कंपनी अंतरनियम में निम्न विषयों के संबंधित बिंदु होते हैं। तो जैसे सबसे पहली चीज़ हो गई अंश पूंजी की राशि, इसका विभिन्न श्रेणी के अंशों में विभाजन तथा प्रत्येक श्रेणी के अंशधारियों के अधिकार। तो यहाँ पर अंतरनियम में सबसे पहली अंश पूंजी की राशि कितनी है, फिर इन अंश पूंजी की राशि को किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, फिर उन श्रेणी के जो अंशधारी हैं उनके क्या अधिकार हैं, इसका उल्लेख इसके अंतर्गत होता है। फिर अंशों के आवंटन, हस्तांतरण, अपहरण, समर्पण एवं प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया। अब जिन अंशधारियों को हम अंश आवंटित करते हैं उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से हम अंशों का आवंटन करेंगे, हस्तांतरण किस प्रकार से हम उनको अंशों का हस्तांतरण करने से संबंधित सुविधा प्रदान करेंगे, अपहरण यदि किसी अंशधारी ने अंश की संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया तो कंपनी द्वारा उसके अंश पत्रों का हरण किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। समर्पण, यहाँ पर यदि कोई अंशधारी अपने अंशों को
कंपनी को वापस कर देता है, समर्पित कर देता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही कंपनी द्वारा अंशधारियों को अंश प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, इसका उल्लेख बिंदु दो के अंतर्गत किया जाता है। फिर कंपनी को उधार लेने की क्षमता, विधि, ऋण पुनर्भुगतान की विधि। अब इसमें यहाँ ये भी तय किया जाता है कि एक कंपनी कितनी कैपेसिटी तक, कितने राशि तक जो है ऋण ले सकता है, उसकी विधि किस प्रकार से होगी, और जो उसके द्वारा ऋण लिया जाएगा उसका भुगतान करने की विधि क्या होगी। इसके बाद निदेशकों के अधिकार, कर्तव्य, पारिश्रमिक इत्यादि। अब यहाँ पर जो कंपनी के संचालक मंडल के सदस्य हैं, जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनके अधिकार क्या क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, साथ ही उनका पारिश्रमिक क्या होगा, इन सब का उल्लेख इसके अंतर्गत, इस बिंदु के अंतर्गत किया जाता है। फिर कंपनी की बैठकें कब कब होंगी, किस किस समय में होंगी, हर 3 महीने में होंगी या 6 महीने में होंगी या वार्षिक होंगी, ये तय किया जाता, तथा प्रस्ताव किस प्रकार से रखे जाएंगे कंपनी में, इन बिंदुओं का इसमें उल्लेख होता है। फिर साधारण वार्षिक बैठक के संबंध में नियम, जो एक सामान्य वार्षिक बैठक होगी वो बैठक कब होगी, सामान्यतः तो ये बैठक जो है वर्ष में एक बार होती है, इस संबंध में नियम क्या होंगे, इसका उल्लेख होगा। फिर अंशों का मत देने के अधिकार के संबंध में, अब यहाँ पर जो अंशधारी जो हैं कंपनी के संचालक मंडलों का सदस्य का चुनाव करते हैं, उस संबंध में जो अंशधारी हैं वो अपना मत देते हैं, तो अंशों का मत देने के लिए संबंध में अंशधारियों के अधिकार क्या होंगे, इसका उल्लेख किया जाता है। फिर समय समय पर लाभांश घोषित करने तथा उसके भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में, जो लाभांश घोषित किया जाएगा किस प्रकार से होगा, उस लाभांश का वितरण जो है समस्त अंशधारियों के बीच में किस प्रकार से किया जाएगा, इसका उल्लेख किया जाता है। फिर कंपनी की बहियों व खातों का अंकेक्षण, कंपनी का जो हिसाब किताब है, जो उसकी पुस्तकें हैं, बहियाँ हैं, जो खाता पुस्तकें हैं, उनका ऑडिट, उनका अंकेक्षण कब कब होगा, किस प्रकार से होगा, इसका उल्लेख होता है। फिर कंपनी समापन से संबंधित प्रक्रिया, यदि कभी कंपनी का समापन करना है, कंपनी बंद करना है, तो इस स्थिति में उसकी समापन की प्रक्रिया क्या होगी। फिर पंच फैसले से संबंधित प्रक्रिया, तो पंच फैसले से तात्पर्य यहाँ पर यदि कंपनी के सदस्यों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, तो उस विवाद का निपटारा जो है वो पंच सदस्यीय कमेटी के द्वारा किया जाएगा, इस संबंध में नियम लागू किया जाता है। साथ ही किस सीमा तक तालिका आ लागू होगी, अर्थात जो पार्षद सीमांतर नियम के सामान्य नियम हैं, यदि कंपनी अपने नियमों को नहीं बनाती तो किस हद तक तालिका आ के नियमों को लागू किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो बिंदु हैं, ये पार्षद सीमांतर नियम की विषय सामग्री कहलाती हैं। इन बिंदुओं के आधार पर, इन विषय वस्तुओं के आधार पर एक कंपनी जो है अपने कंपनी के संचालन के संबंध में अंतर नियमों का निर्धारण करती है। अब यहाँ हम 2 बिंदु और देखेंगे कि यदि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में यदि हमें कोई परिवर्तन करना है तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पार्षद सीमा अंतर नियम जो हमने बनाए और भविष्य में यदि हमें उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक कंपनी अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतर नियम में परिवर्तन कर सकती है। अब ये परिवर्तन जो है कंपनी अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो अंतरनियम में जो भी हम परिवर्तन कर रहे हैं उसकी सूचना हमें प्रॉपर रजिस्ट्रार को देना आवश्यक है। साथ ही अंतरनियम में जो भी परिवर्तन किए जाएं वो पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ध्यान दें कि जो भी अंतरनियम में हम परिवर्तन करेंगे वो परिवर्तन किसके अनुरूप होना चाहिए, पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य के अनुरूप होना ही चाहिए। यदि दोनों प्रलेख में कोई अंतर होता है तो पार्षद सीमा नियम के नियम ही मान्य होते हैं। तो यहाँ यदि कोई इसमें अंतर होता है अंतर नियमों में और जो हमने परिवर्तन किए हैं तो पूर्व में जो पार्षद सीमा नियम के नियम हैं वही मान्य होंगे। तो यहाँ हम पार्षद सीमा अंतर नियम में कुछ विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं और इसकी सूचना हमें रजिस्ट्रार को देना आवश्यक होती है, और जो भी परिवर्तन किए जाएँ वो पार्षद सीमा नियम उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, उससे अलग हटकर नहीं। दूसरा जो है पार्षद सीमा नियम जो मुख्य नियम है, ये कंपनी के चार्टर कहलाते हैं, इन नियमों में यदि हमें परिवर्तन करना है तो मुख्य 2 विधि से हम कर सकते हैं, सामान्य तौर पर हम इसमें नहीं करते।
तो इसमें परिवर्तन अधिनियम में दी व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित विधि से निर्धारित सीमा तक ही करना संभव होता है। ये जो है हम दो विधियों से कर सकते हैं, नंबर एक कंपनी के नाम वाक्य, स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य में परिवर्तन साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कराकर केंद्रीय सरकार की अनुमति लेकर न्यायालय की सहमति से ही संभव होता है और इस परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देनी आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर जब हमें यदि कंपनी के नाम वाक्य में परिवर्तन करना है, यदि कंपनी का स्थान बदलना है, कंपनी के कोई उद्देश्य जो थे उसमें हमें परिवर्तन करना है, या कंपनी कोई लायबिलिटी दायित्व जो है उसमें परिवर्तन करना है, तो इन सभी किसी भी बिंदु में यदि हमें परिवर्तन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कंपनी की सामान्य सभा की बैठक होती है उस सामान्य सभा की बैठक में हम क्या करेंगे, विशेष प्रस्ताव पारित करवाएंगे। फिर उस विशेष प्रस्ताव को पारित करवा कर जो है उस प्रस्ताव को केंद्रीय सरकार की हम अनुमति प्राप्त करेंगे, साथ ही न्यायालय में सूचित करके न्यायालय में से हम सहमति प्राप्त करेंगे और वहाँ से प्राप्त होने के पश्चात जो है इस परिवर्तन की सूचना हमें रजिस्ट्रार को देनी आवश्यक है। तो इन बिंदुओं पर यदि हमें कोई प्रकार का परिवर्तन करना हुआ तो इसको हम सामान्य सभा में पारित करके न्यायालय की सहमति से रजिस्ट्रार को हम सूचना इसकी देते हैं। तो ये पहले बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, यदि पूंजी वाक्य में परिवर्तित करना है, पूंजी वाक्य में परिवर्तित करना है अर्थात कंपनी की पूंजी में परिवर्तन करना है या नए अंशों का निर्गमन करना है, तो इस संबंध में हम देखते क्या है, जब कंपनी की पूंजी में वृद्धि करनी हो तो अंतर नियमों में व्यवस्था करने के उपरांत साधारण प्रस्ताव पारित कराकर नए अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। अब यदि हमें कंपनी की अंश पूंजी में वृद्धि करनी है तो जो हम अंतर नियम में उसको परिवर्तन करते हैं उसके पश्चात साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके नए अंशों का हम निर्गमन कर सकते हैं। ये पहला बिंदु हुआ। दूसरा, पूंजी में कमी करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव पारित कराकर न्यायालय से उसकी पुष्टि कराना चाहिए। यहाँ पर जो है विशेष प्रस्ताव के माध्यम से हम ये पुष्टि करवाते हैं कि पूंजी की कमी है। फिर पूंजी का पुनर्गठन करने के लिए प्रस्ताव को 3/4 अंश मूल्य के सदस्यों से पारित कराकर उस पर न्यायालय की पुष्टि करानी अनिवार्य है। अब यहाँ पर हम ये तय करेंगे कि पूंजी का जो हम पुनर्गठन कर रहे हैं उस पुनर्गठन को करने का एक प्रस्ताव जो है 3/4 अंश मूल्य के सदस्यों से पारित कराकर हमें न्यायालय से पुष्टि करानी अनिवार्य। इन स्थितियों में यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में क्या अंतर है। यहाँ हम देखते हैं पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम में क्या अंतर, तो अंतर का आधार पार्षद सीमा नियम और पार्षद सीमा अंतर नियम। तो विषय सामग्री की बात करें हम तो पार्षद सीमा नियम में जो है क्या होता है, कंपनी के जो उद्देश्य वो जो उसके अधिकार हैं क्षेत्र है इनका वर्णन पार्षद सीमा नियम में किया जाता है, जबकि पार्षद सीमा अंतर नियम जो है इनमें कंपनी के प्रबंध संबंधी आंतरिक नियमों को संतुलित किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम जो है इसमें कंपनी के उद्देश्य व अधिकार क्षेत्रों को वर्णन करते हैं और अंतर नियम में हम प्रबंध संबंधी आंतरिक नियमों को हम इसमें लिखते हैं। फिर पार्षद सीमा नियम को बनाने की आवश्यकता हम देखते हैं कि चूंकि ये कंपनी का चार्टर है, जैसे कि बताया मैंने कि प्रत्येक कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम बनाना अनिवार्य है, आवश्यक है, प्रत्येक कंपनी के लिए है पार्षद सीमा नियम बनाना आवश्यक है क्योंकि इसमें कंपनी के उद्देश्य और अधिकार उल्लिखित होते हैं, तो ये आवश्यक है। फिर पार्षद अंतर नियम, इसको बनाना अनिवार्य नहीं है, यदि कंपनी अपने पार्षद अंतर नियमों को नहीं तैयार करती तो जो सारणी आ के अनुसार जो नियम लागू होते हैं कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उन आ नियमों को यहाँ पर वो लागू कर सकती। फिर महत्व, पार्षद सीमा नियम जो होता है वो कंपनी का क्या महत्वपूर्ण मूलभूत प्रलेख है, इसे कंपनी का चार्टर भी कहते हैं, अर्थात ये मुख्य प्रलेख है, इसी प्रलेख के आधार पर कंपनी जो है अपने कंपनी का संचालन करती है, जबकि अंतर नियम जो है ये कंपनी के सहायक प्रलेख कहलाते हैं, अर्थात ये मूलभूत प्रलेख क्या होते हैं, सहायक होते हैं जिनके आधार पर कंपनी अपने आंतरिक
कार्यों को संपूर्ण करते हैं। तो ये सहायक है प्रभाव, ये कंपनी और बाहरी व्यक्ति के बीच जो कहता संबंध स्थापित करता है। पार्षद सीमा नियम जो है कंपनी और बाहरी व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करता है, जबकि पार्षद अंतर्नियम जो है कंपनी और सदस्य तथा सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करता है। अर्थात पार्षद अंतर्नियम जो है कंपनी और सदस्यों के बीच किस प्रकार के संबंध रहेंगे, सदस्य और सदस्य के बीच किस प्रकार के संबंध रहेंगे, इस बात को बताता है। फिर परिवर्तन की बात करें हम, तो पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करना कठिन होता है तथा विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि बताया था कि पार्षद सीमा नियमों में यदि सिर्फ दो विधियों से परिवर्तन किया जा सकता है और वो भी विशेष परिस्थितियों में, इसके लिए हमें विशेष सामान्य सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित करके जो है इसको पारित करने के पश्चात जो है हम इसमें परिवर्तन करते हैं। फिर इसमें जो है आपका अंतर्नियम में परिवर्तन की बात करें तो इसमें परिवर्तन करना कठिन नहीं होता। अंतर्नियमों में जो है कंपनी जो है अपनी आवश्यकता अनुसार जो है परिवर्तन कर लेती है और जिसकी सूचना जो है समय समय पर रजिस्ट्रार को प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद सीमा अंतर्नियमों में क्या अंतर है। इसके बाद हमारे सामने हैं कुछ प्रश्न। पार्षद सीमा अंतरनियम से आशय लिखिए, परिभाषा लिखिए, पार्षद सीमा नियम अंतरनियम की विशेषताएं जो मुख्य मुख्य हैं उनको बताइए, फिर पार्षद सीमा अंतरनियम में किन विषय सामग्री का उल्लेख किया जाता है और एक कंपनी अंतरनियमों में परिवर्तन किस प्रकार से कर सकती है, पार्षद सीमा नियम में और अंतरनियमों में किन स्थितियों में परिवर्तन कर सकती है समझाइए, साथ ही पार्षद सीमा नियम व अंतरनियमों में कोई 5 अंतर लिखिए।